केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी विकास की हुंकार भरी। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही कहा कि किसी को जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को बाधित नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही शाह ने विपक्ष पर भी जमकर बरसाए कंधे। उन्होंने कहा कि बीते 7 दशक में जम्मू कश्मीर का विकास नहीं कर पाने के लिए 3 परिवार ही जिम्मेदार हैं। जम्मू के साथ अन्याय का दौर अब समाप्त हो गया है। गृह मंत्री ने कहा है कि हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे आतंकवाद का सफाया हो जाए। अमित शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का निवेश आया है। यही नहीं, 2022 तक 51,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। इससे पूरे प्रदेश का कायाकल्प भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में विकास का नया चरण शुरू हो गया है। मैं यहाँ विश्वास दिलाने आया हूँ कि कोई भी शांति व विकास को असुरक्षित नहीं कर सकेगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू आए गृह मंत्री अमित शाह ने भगवती नगर क्षेत्र में ठंड की दस्तक के बीच अपने आधे घंटे के संबोधन में पूरे जम्मू में एक जोश भर दिया। शाह ने कहा कि अब कश्मीर तथा जम्मू दोनों के साथ में विकास होगा, दोनों मिलकर भारत को आगे ले जाएंगे। उन्होंने युवाओं से कहा कि विकास के लिए कार्य करें और शांति में खलल डालने वाले आतंकियों के नापाक मंसूबों को विफल बना दें। वहीं शाह ने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि 3 परिवार पूछ रहे हैं कि क्या देकर जाओगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहले 3 परिवार 70 साल का हिसाब दे। ये 3 परिवार दशकों तक जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण करते रहे, मजाक उड़ाते थे कि यहाँ कौन आएगा। राज्य की जनता उनसे जवाब मांग रही है कि 7 दशक तक उन्होंने जम्मू कश्मीर को आखिर क्या दिया है। क्या आपने अपने परिवार के सदस्यों के अलग किसी के बारे में सोचा है? इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का निवेश आया है। 2022 में 51,000 करोड़ तक का निवेश लाना है। यह मोदी की का शासन है जिसमें ना शोषण होगा और ना तुष्टिकरण। प्रधानमंत्री ने 55,000 करोड़ का विकास का पैकेज दिया। इसमें 35,000 करोड़ की 21 परियोजनाएँ समाप्त हो गई हैं। इतना ही नहीं, शाह ने कहा कि हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए और आतंकवाद का सफाया हो जाए। रही बात सुरक्षा की, तो साल 2004 से लेकर 2014 तक कुल 2,081 नागरिकों की मौत हुई है। इस हिसाब से हर साल 208 नागरिकों की मौत होती है। साल 2014 से लेकर साल 2021 तक कुल 250 नागरिकों की मौत हुई है। हर साल सिर्फ 20 लोग की मौत हुई। हम इससे भी संतुष्ट नहीं हैं। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक फैसला किया और अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर लोगों के साथ न्याय किया है। शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा था कि टेंशन चल रही थी कि बारिश आ रही है, मैं आपसे मिल पाऊंगा या नहीं, लेकिन माता वैष्णो देवी की कृपा हुई है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा की जयंती है, पूरा भारत प्रेमनाथ डोगरा को भूला नहीं सकता। डोगरा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर 2 प्रधान 2 निशान 2 संविधान नहीं चलेंगे का नारा दिया था। आज प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही होगी। उन्होंने अपने भाषण शुरू करने से पहले ही भारत माता की जय के नारे लगा दिए, जिससे माहौल जबरदस्त हो गया। शाह ने केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद उठाए अनेक कदमों गिनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 लाख रोजगार का सृजन किया जा गया।
25,000 लोगों को पिछले 2 साल में सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नौकरियां दी गई है। शाह ने कहा कि पहाड़ी भाषा लोगों को आरक्षण मिल रहा है। आने वाले समय में गुजरों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। महाजन, खत्री और सिख समुदाय के लोग कृषि भूमि खरीद सकते हैं। वहीं वन अधिकार कानूनों के तहत गुज्जर बकर वालों को अधिकार भी मिलेगा। कुल मिलाकर बात करें तो शाह की 3 दिन की ये जम्मू की यात्रा कहीं ना कहीं लोगों को उत्साहित करने वाली है। सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहाँ पर अनेकों योजनाएं लेके आ रहे हैं, जिसको लेकर भी लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि केंद्र में NDA की सरकार कुछ विकास करेगी। ये 3 परिवारों ने यहाँ 70 साल तक शासन किया है, ये न समझे समझे, हम जरूर समझते हैं। एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है, ये हम समझते हैं। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए। आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है, बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मारा गया ठीक नहीं हुआ, मगर मारा उसने ठीक किया क्या, वो नहीं कहते हैं। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं, उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार रहेगा। मित्रों, बहुत लोगों ने सवाल उठाए, ये कर्फ्यू बंद है, इंटरनेट बंद है। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 जाने के बाद घाटी में कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सारे तहसील पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, जिला पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए, भैया कितनी जमीन चली गई, 2 साल हो गए, कितनी जमीन चली गई। ये झूठ फैलाते, अगर आए आपके गांव में आपको मिलने के लिए तो बताना कि मेरे गांव में तो जमीन नहीं गई भाई, आप कहते थे क्या हो गया, ये सच नहीं। मित्रों, ये विकास को बांध कर रखना चाहते, अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहते, 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया है उसको चालू रखना चाहते। मनोज जी ने 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो या जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, आज भी 6,000 लोगों को यहां से नौकरियां मिलने वाली। मैं आपको दावे से कहता हूं, ना एक भी सिफारिश हुई है, ना एक भी व्यक्ति को पैसा देना पड़ा है। ये जो जमाना था ना अपने आसपास वालों को नौकरी देने का, वो जमाना समाप्त हो गया है। जिसमें कहावत है, जिसमें मेरिट है, जिसके अंदर दम है, जो अपनी जवानी कश्मीर के विकास के लिए लगाना चाहता है, उसको नौकरियां मिल रही, मगर उनके पेट में दर्द हो रहा है कि हमारी सिफारिश के बगैर भला किसी को नौकरी मिले, हमारी सिफारिश के बगैर कोई क्लर्क बन जाए, कोई शिक्षक बन जाए, कोई कांस्टेबल बन जाए, ये कैसे हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं जनाब, अब ऐसे ही होने वाला है। अब ये 3 परिवारों का जो इस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार का शिकंजा कराया था, ये नहीं चलने वाला। औद्योगिक विकास के लिए अब तक 70 साल में इन 3 परिवारों का टोटल 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था। मैं फिर से एक बार आपसे बुलवाना चाहता हूं, कितना निवेश आया था, 12,000 से 15,000 करोड़, जोर से बोले कितना, बरोबर है। मोदी जी ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स की रियायत वो पॉलिसी में दी है। और आज मैं आपको बताता हूं, 6 महीने ही हुए हैं, हम 12,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर गए हैं, 7,000 करोड़ रुपया जम्मू में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 6,000 करोड़ रुपया मेरी कश्मीर घाटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और आज ही 500 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको जमीन देने का कार्य।
आपको मैं कह कर जाता हूं 2022 आते आते जम्मू कश्मीर के अंदर 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपये का इन्वेस्टमेंट जमीन पर आएगा और 5,00,000 बच्चों को इसमें से रोजगारी मिलेगी मित्रों, 5,00,000 बच्चों को।